राधे राधे। जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। राधे राधे, जय माता की। कैसे आप सभी लोग? हम आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और कमेंट में राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव कुछ भी लिखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। आप सभी का स्वागत करते हैं स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आज की जो वीडियो है, इसके विषय में अब हम आपको बताते हैं। माता गौरी का आशीर्वाद हमारी सभी बहनों पर बना रहे, सभी बेटियों पर बना रहे, और समस्त पृथ्वी की जितनी भी स्त्रियां, सभी पर माता गौरी का आशीर्वाद बना रहे। और माता सभी को सुख, सौभाग्य, समृद्धि, संतान, पति को दीर्घायु, सभी कुछ प्रदान करें, सभी को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करते हैं। और साथ ही आप सभी लोगों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और करवा चौथ के विषय में ही आज का ये वीडियो है। देखिए, कार्तिक का मास प्रारंभ हो गया है, और सभी को पता है कि कार्तिक के प्रारंभ में ही कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का सुंदर, पावन, पवित्र त्यौहार मनाया जाता है। ये करवा चौथ का जो त्यौहार है ना, इसका नाम ही इतना प्यारा है, इतना स्पेशल है कि करवा चौथ बोलते हुए ही इंसान को एक अलग सी फीलिंग आने लगती है। इंसान मतलब लेडीज़ को, स्त्रियों को, हमारी बहनों को एक अलग सी फीलिंग आने लगती है। लेकिन जो पुरुष भाई होते हैं, भाई उनकी जेब खाली होने लगती है, तो वो थोड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन आप लोग परेशान ना होइए, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो आपके लाइफ में एक ऐसा जीवन साथी आपको मिलता है, जो आपकी केयर करता है, आपकी चिंता करता है, हर रोज़ आपके ऑफिस से आने की प्रतीक्षा करता है, जो सिर्फ और सिर्फ आप ही के विषय में सोचता है। ऐसी ही होती हैं हमारे भारत की भारतीय नारियाँ। और बहुत अच्छी बात होती है पत्नियों को करवा चौथ पे यदि पति लोग गिफ्ट देते हैं ना, तो माता लक्ष्मी की, माता गौरी की बड़ी ही असीम कृपा होती है, और घर में सुख समृद्धि, धन की कभी कमी नहीं रहती। और देखिए, घर की जो लक्ष्मियाँ होती हैं ना, माँ है, बेटी है, बहन है, पत्नी है, इनका सदैव सम्मान कीजिए। इनकी जो भावनाएं हैं उनका सम्मान कीजिए, इनकी इच्छाओं का सम्मान कीजिए। तो और देखिए, सभी समझदार होते हैं, तो बहुत ही अधिक कृपा प्राप्त होती है माता की। और गौरी माता का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हिंदू धर्म में करवा चौथ का बहुत अधिक महत्व होता है। पंचांग के अनुसार ये व्रत हर साल कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, और शाम के समय पूजा के लिए पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण करती हैं। निर्जला व्रत रखा जाता है, कठिन व्रत होता है, किंतु इससे भी कठिन एक व्रत होता है, वो होता है हरतालिका तीज का, और ये व्रत भी कठिन ही होता है। करवा चौथ का व्रत बहुत ही सुंदर व्रत माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक उपवास रखती हैं। ये पर पति पत्नी के अटूट रिश्ते की मिसाल है। कहा जाता है कि करवा चौथ का व्रत रखकर करवा माता की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल करवा चौथ कब है, विस्तार से बात करते हैं। तो इस साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 31 अक्टूबर मंगलवार को रात 9:30 से हो रही है, और ये तिथि अगले दिन 1 नवंबर को रात 9:19 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि और चंद्रोदय के समय को देखते हुए करवा चौथ का व्रत, करवा चौथ का ये सुंदर सा व्रत 1 नवंबर 2023 बुधवार को रखा जाएगा। और बहुत ही सुंदर संयोग बन रहे हैं करवा चौथ के व्रत पर। देखिए, एक तो जो चतुर्थी तिथि होती है वो भगवान गणेश को समर्पित होती है, और दूसरा जो बुधवार का दिन होता है वो भी गणेश जी को ही समर्पित होता है। इस प्रकार से सबसे सुंदर योग तो यही है कि भगवान गणेश, जो कि मंगल करने वाले हैं, जो कि विघ्नों का नाश करने वाले हैं, और जो सभी को सुख समृद्धि धन संपदा देने वाले हैं, उनका दिन है ये, उन्हीं की तिथि है ये, तो बहुत सुंदर दिन है। और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, शिव योग बन रहा है, और पूरा मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि बहुत ही सुंदर दिन, बहुत ही सुंदर योग में करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाएगा।
एक नवंबर को करवा चौथ वाले दिन चंद्रोदय का जो समय है वो 8 बजे के बाद ही रहेगा और अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पर चंद्र उदय होंगे। इस दिन शाम 5:44 से 7:02 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। ध्यान रखिएगा कि करवा चौथ वाले दिन शाम 5:44 से 7:02 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है, ठीक है। और बहुत ही सुंदर सुंदर योग भी बन रहे हैं, हमने आपको बता दिया। और हम आज की वीडियो में बस इतना ही आपके साथ बात करना चाहते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से करवा चौथ का व्रत किया जाता है, पूजा आदि की जाती है। देखिए थोड़ी सी जानकारी हम आज आपको दे देते हैं। सबसे पहले तो यही बात है कि कोई भी व्रत होता है तो आपको सुबह नहा धोकर ब्रह्म मुहूर्त में साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर, और क्योंकि ये करवा चौथ का त्यौहार है तो अच्छे से आप 16 श्रृंगार भी कर लीजिए, एक दिन पहले मेहंदी भी लगा लीजिए। 16 श्रृंगार का बहुत अधिक महत्व होता है करवा चौथ के व्रत में। तो मेहंदी आदि लगाने के बाद आप सुबह उठकर स्नान करने के बाद आपको संकल्प लेना है व्रत का, ये बहुत ही आवश्यक है। देखिए कोई भी व्रत होता है आप संकल्प अवश्य लिया कीजिए, और संकल्प बहुत ही सरल भाषा में लिया कीजिए। बस भगवान को हमें, भगवान देखिए सब कुछ जानते हैं लेकिन एक नियम होता है ना, तो नियम का पालन करना भी ज़रूरी होता है। तो आप बस व्रत का संकल्प ले लीजिए और पूरे दिन आपको निर्जल व्रत रखना होता है, किंतु अपनी अपनी परंपराओं को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। और आपके घर में जिस तरह की भी परंपरा हो आप उस प्रकार से व्रत और पूजा पाठ कीजिए। करवा चौथ का जो व्रत है वो हर सुहागिन महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है, और चांद देखकर पूजा जब कर लेती है उसके बाद ही अपना व्रत खोलती है। और जो हमारी भारतीय बहनें हैं ना वो अपने पतियों से अत्यधिक प्रेम करती हैं, इसीलिए उनकी लंबी आयु के लिए ये व्रत करती हैं। और इस व्रत की विषय में कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको कथा सुनाऊँ तो आप मुझे कॉमेंट में बताइएगा और मैं कथा भी अपलोड कर दूँगी। बहुत सुंदर तरीके से करवा चौथ का व्रत कीजिए, 16 श्रृंगार कीजिए। और भाई लोगों से, जो पुरुष भाई हैं उनसे प्रार्थना है कि भाई जिसकी जैसी भी सामर्थ्य हो अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी पत्नियों को जो भी दिला सकते हैं कोई तो उपहार अवश्य ही दिलाइए, और 16 श्रृंगार करके खूब सुंदर सा मेकअप करके अच्छे से अपना त्यौहार मनाइए। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही हम लेकर आएंगे जिसमें आपके साथ हम पूजा की विधि शेयर करेंगे। और सासू माँ के लिए हमारी जो भी बहनें हैं जिनकी भी सासू माँ हैं, यदि जिठानी है तो उनके लिए, सासू माँ है तो उनके लिए, ननद है तो उनके लिए, कोई नहीं है तो जो ब्राह्मणी होती हैं, जो हमारे मंदिर में पंडित जी की पत्नी होती हैं, उनके लिए आप कुछ भी सुहाग सामग्री अवश्य निकालिए, जिसको बायना भी कहा जाता है, और अवश्य निकालिए और दान कीजिए। देखिए हमारे हिंदू धर्म में सुहाग सामग्री दान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे ससुर जी नहीं होते हैं, सासू माँ होती हैं अकेली, तो बहनों के मन में ये संदेह आ जाता है कि अब हम कैसे करें क्योंकि हमारे ससुर जी नहीं हैं, इस तरीके की भावनाएँ होती हैं। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं सोचना है, आप जो जैसे भी अपनी सासू माँ को जो भी देती हैं आप उनको दीजिए, और इस तरह की भावनाएं मन में मत लाइए, क्योंकि सासू माँ का आशीर्वाद जब आपको मिलेगा ना तो आपके जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से आप अपनी सासू माँ के लिए बायना निकालिए, कुछ भी उनके मन का कोई उपहार दिला दीजिए और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और गौरी माँ का पूजन आप अवश्य कीजिए, मॉर्निंग में जब आप पूजा करेंगे, व्रत का संकल्प लेंगे, तब आप गौरी मैया का पूजन अवश्य कीजिए। तो इस प्रकार से आपको बहुत सुंदर तरीके से ये सुंदर सा त्यौहार मनाना है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ऐसी ही एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे और करवा चौथ की पूरी विधि आपके साथ हम शेयर करेंगे। राधे राधे, जय माता की। सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।